अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्टफिंग केक की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लहसुन लिया है, ठीक है, उसको मोटा मोटा मैंने काट लिया है। थोड़ा सा सौते करने के लिए उसमें वेजेस ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं बंद गोभी ले रही हूँ, इसके अलावा उसमें गाजर लूँगी, अपने हिसाब से लीजिएगा। और इसके अलावा मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ, सब्ज प्याज ले रही हूँ और चिकन ले रही हूँ, ठीक है। चिकन मैंने बॉयल लिया है और हल्का सा नमक मैंने डाल के उसको बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी वेजेज हैं मैंने ये एक कप के करीब सारी चीज़ें ली हैं, और इसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा अपने फ्राई भी नहीं करना, इसको थोड़े से ऑयल में करना है। हम जो पोटैटो स्टफिंग है वो दो तरह से आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस। टू टेबल स्पून के करीब इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस मैंने ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर लें। नमक ऐड करने के बाद इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब, और इसको अच्छे से हम लोग करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, इसका पानी ड्राई हो गया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, इसको करते हैं अब साइड पे। दूसरे स्टेप पे चलते हैं हम और वो रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने बॉयल आलू लिए हैं, ठीक है, 4 से 5 अदद। इसके अलावा यहाँ पे मैं चावल का आटा ले रही हूँ 1/2 कप के करीब, और इसके अलावा यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1/2 कप, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपने हिसाब से क्वान्टिटी के हिसाब से रखनी है। नमक ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। यहाँ पे कोई आपने पानी ऐड नहीं करना, बस इसमें जो आपने डाले हैं पाउडर उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। इस मिक्सचर को अच्छे से रेडी करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं स्टफिंग की तरफ, ठीक है। तो स्टफिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे आलू का मोटा सा लेना है हमने, कबाब की तरह उसको हमने नीचे रखना है। यहाँ पे हमने मोटा सा कबाब एक लिया है, ठीक है, आलू का। उसके बाद हम लोग इसमें वेजेस ऐड करेंगे जो मैंने फ्राई की हुई थी, और ये ऐड करने के बाद हम एक बार फिर आलू का कबाब लेंगे, उसके ऊपर हम लोग तेल लगा देंगे और साइडों से इसको अच्छे से आप लोगों ने बंद कर देना है। ये अच्छे से मोटा सा ही बन जाता है, एक जो है ना वो 2 बंदे खा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है, हल्की आंच पे करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। यहाँ पे मैं एक बना लिए, ठीक है, उसमें मैंने ओनली वेजेज ऐड किए थे जो मैंने फ्राई की हुई थी। अब मैं दूसरा आपको बना के सिखाती हूँ, उसमें हम लोग ऐड करेंगे चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो दोनों यूज़ कर सकती हैं, मोज़रेला और चेडर चीज़, ठीक है। तो चीज़ वाला जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है, वेजेज जो है ना वो नॉर्मल है। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं करती तो वेजेज भी आप फ्राई करके खा सकते हैं, अदरवाइज चीज़ वाला मैं आपको बोलूँगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर मैंने चीज़ ऐड कर दी और फ्राई करना है, ठीक है। एक तरह से बस एक में मैंने चीज़ ऐड की, एक में मैंने वेजेज ऐड किए।
जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और आँच को भी मैंने हल्का रखा हुआ है। इसके बाद में पोटैटो केक है वो ऐड कर दूँगी इसमें और इसको हल्की आँच में फ्राई करना। पहले मैं एक साइड से फ्राई करूँगी, फिर मैं दूसरी साइड से करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना ये फ्राई हो रहे हैं, बार बार मैं इसको चेक कर इसका कलर कैसा है। लास्ट वीडियो मिस हो गई है मेरे से, तो यहाँ पे जो लास्ट व्यू है ऐसा है कुछ, ठीक है, हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ही प्यारा कलर आया माशाल्लाह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।